Let us begin with the concept of the refraction of light now. आज आपका फिफ्थ हो गया है, फाइव आ जाइए बेटा. लेट अस बेटे कंसेंट्रेट और फोकस अपॉन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा. द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटे बेसिकली डील्स विद द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू एन अदर मीडियम. आइए पहले आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि रिफ्रैक्शन बेटे चीज क्या है. रिफ्रैक्शन में हम बेटे जनरली कहते हैं कि अगर आपका रे ऑफ लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उस रे की जो पाथ है उस पाथ में चेंज आ जाएगा, उस रे का पाथ बदल जाएगा बेटा. सो ये जो आपका फिनोमिना है दिस इज कॉल्ड बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको बेटे समझाता हूँ दोबारा फिर से एक बार. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट बेटा. चेंज इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम बेटा. बड़े ध्यान से बेटे समझने वाली बात है कि मीडियम बदलने से लाइट अपना पाथ क्यों बदलेगा. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस बेंडिंग बेटा. आप बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द चैप्टर जब हमने लाइट स्टार्ट किया था एक दो बातें हमने की थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी जो है दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर है. और बेटे पानी में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट देखें दिस वॉज इन एयर बेटा. इन वॉटर स्पीड ऑफ लाइट आपका जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये भी आपका नोन है फिगर न्यूमेरिकल वैल्यू. हाँ जी पुत्र डेफिनेटली बेटे बिकॉज आपका पानी जब आप वाटर की बात करते हो तो वाटर की कंपोजिशन फिक्स है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो फिक्स्ड बेटे. हाँ जी इतना जरूर है कि अगर पानी को आप प्रेशराइज कर दोगे प्रेशर डाल दोगे तो थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन देखने को मिल सकता है अदरवाइज नहीं. देन ग्लास की अगर आप बात करो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दैट वॉज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये भी बात आपने कर रखी है बेटा. अब थोड़ा सा और मैं अगर आपको बेटे बात करूं इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में. आइए थोड़ा बेटे कंसंट्रेट करके देखें कि लाइट अपना पाथ बेंड कैसे कर लेती है. आपके पास ये एक बाउंड्री है, इसको बाउंड्री को पुत्र आपने एक्स वाई बाउंड्री बोल दिया. और ये जो हाँ जी बेटे ग्लास में स्पीड लिखी हुई है नीचे दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. जब आप एक्स वाई बाउंड्री इमेजिन कर लेते हो एंड फर्दर मोर सपोज कर लीजिए हेयर द मीडियम इज एयर और आपकी लाइट रे एयर से बेटे वाटर में एंटर कर रही है. ये आपका एक्स वाई बाउंड्री एयर को वाटर से सेपरेट कर रहा है. ये चीज हमने बेटे इमेजिन की. डियर चिल्ड्रन बड़े ध्यान से सोचिएगा समझिएगा. ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और बेटा जनरली हम इस पॉइंट को क्या कहा करते हैं पुत्र पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बेटे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया बेटे.
इट विल लेट इट बी द नॉर्मल, और ये आपका यहां पे इंसिडेंट रे बेटा, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बेटा एंगल जो बनाया, व्हाट इज दैट एंगल कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। एंड अब बेटे देखो आपका रे जब इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करेगा, तो मीडियम बदल जाएगा। पहले एयर में था, अब ये पानी में चला गया। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, ऐसे बेंड कर जाएगा। ये नॉर्मल की तरफ हो गया ना थोड़ा सा, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं कह रहा हूं, रिफ्रैक्शन, ये आपका रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे बेटा। और इस केस में एंगल आपका जो आई है इट इज मोर देन एंगल आर होगा, याद रखिएगा। आपका जो रे ऑफ लाइट है जब ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में आ रहा है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। बेटे बेंड करने का रीजन क्या है कि आपके रे ऑफ लाइट का वाटर में स्पीड कम है और उतने ही टाइम में वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी, दैट इज व्हाई इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल बेटा। एक मिनट प्लीज, एक बात बेटे और माइंड में आती है यहाँ पे, हमें क्या पता कि रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। Can anyone from your side tell bete what do we mean by rarer and denser medium? Bete aap boliye putar, which density putar? Baithiye, maybe aapka answer correct hai, but it haan ji, aapne ek nayi term bata di, refractive index, humne abhi wo ki nahi hai. Baithiye, good explanation otherwise. Bachcho yaad rakhiye thoda sa, सुनिएगा ध्यान से। वो मीडियम जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, मैं स्पीड के साथ रिलेट करके बता रहा हूं बिकॉज हमने अभी स्पीड की बात की है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो मीडियम आपका रेयरर मीडियम होगा। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम पड़ गई, दैट इज द डायरेक्ट इंडिकेशन कि वो मीडियम रेयरर नहीं है, वो कंपैरेटिवली डेंसर है। अगर इसी बेसिस पे कंपैरिजन करें जरा इधर, ये सबसे डेंसर के रेयरर रेयरर, ये उससे और ये सबसे, इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो राइट। सो बेटे हमेशा याद रखिए बेटा, ए रेयरर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, एंड ए डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम in which the speed of light is comparatively bit less. आप इसको पॉइंट को नोट भी कर सकते हो। हाँ जी पुत्र, हाँ जी, बी का आप, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो ना तो आप velocity in water ऐसे लिख लो, velocity in glass लिख लो, सबस्क्रिप्ट डाल दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। एक लाइन बेटा, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज, कौन सी चीज बेटा? कौन सी चीज कह रहे हो रिपीट करने को? सुनिए बेटे फिर, देन आप नोट कर लीजिए एक लाइन बेटा। ए मीडियम इज सेड टू बी रेयरर मीडियम, ए मीडियम इज सेड टू बी रेयरर मीडियम इफ the speed of light is more in that medium. If the speed of light is more in that medium, or denser medium mein speed of light bete kya hoga, less ho jayega. So we will say that beta denser medium is that medium
in which the speed of light is comparatively less बेटा. So I hope कि बच्चों को पता चल गया होगा बेटा. और ये डायग्राम भी itself explanatory है. आपका रे रेयर मीडियम से आ रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया. एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, इट इज बिटे लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बिटे. आप ऐसे जैसे लिखा, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल आर इज लेस देन एंगल आई. इट इज वन एंड द सेम थिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जस्ट एन अदर वे. हाँ जी, इधर पहले ही हो गया. ओके, इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और देखेंगे बेटा. जब आपका रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो वो कैसे बेंड करेगा. लेट अस फोकस अपॉन दैट पार्ट आल्सो बेटे. हाँ जी बेटे, बिल्कुल अवे चला जाएगा. एक बार बना के देख लें. ओके, एक बार बना के भी तो देखना चाहिए ना कि वो कैसे अवे चला जाता है और हमें एंगल्स की टर्म्स में किस तरीके से इन चीजों को देखना है. आपका अगेन बेटा ये बाउंड्री, और इमेजिन कर लीजिए एक्स वाई आपके बाउंड्री का नाम है, और बेटा ये एयर को ग्लास से पुत्र सेपरेट करता है. राइट बेटा, मैंने पानी नहीं लिया, यहां पे ग्लास लिया है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार ग्लास का बड़ा मोटा स्लैब होता है, उसके अंदर एक एलईडी लगा होता है, लाइट लगा होता है. मान लीजिए यहाँ पे आपने एक छोटा सा फाइन सोर्स ऑफ लाइट बल्ब रख दिया, तो क्योंकि ये लाइट है तो लाइट रेस तो इससे निकलेगी निकलेंगी, है ना, लेजर बीम कह लो. यहां से आपका एक रे ऑफ लाइट देखो ऐसे चला गया, यहां पहुंच गया ये रे ऑफ लाइट. तो ये रे ऑफ लाइट जब यहां पहुंचेगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, गुड. आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाकर यहां पे एक राइट एंगल बना दिया, नॉर्मल बना दिया. ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. व्हाट दिस एंगल इज कॉल्ड बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. वेरी नाइस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कह देते हैं इसको. और ये आपका इंसिडेंट रे, इट इज इंसिडेंट रे बेटा, इंसिडेंट रे आपका. अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, इट विल बेंड अवे. अवे का मतलब बच्चों होता है व्हाट हैपेंड टू हिम, रिफ्लेक्ट करके. पानी पी गया हूं, चलो भाग जाओ फटाफट, उठ जाओ, उठ. डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है ये आपका रे इस तरफ चला गया, दिस इज एंगल आर. ये बेटे आपका, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में गया है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्थ. और डियर चिल्ड्रन देखिएगा यहाँ पे आपका एंगल आर अब की बार आई से बड़ा हो गया है. राइट, अब अगेन वही बात आ जाती है कि ये ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि दोनों मीडिया, मीडियम वर्ड का प्लूरल मीडिया होता है, दोनों मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है. पानी में, सॉरी ग्लास में स्पीड कम थी, इधर ज्यादा है. अगर स्पीड कम है, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर स्पीड कम है और अगले मीडियम में ज्यादा हो गई, तो टाइम तो आपने उतना ही देखना था, उतने ही टाइम में इस मीडियम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज वाई वो थोड़ा सा अवे बेंड कर जाती है. अगर इस रे की बात करें तो ये आ रही थी इस मीडियम में, उतने ही टाइम में वो कंपेयर टू दिस डिस्टेंस बेटे कम डिस्टेंस कवर करेगी, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट बेंड्स टू वर्ड्स द नॉर्थ. राइट बेटा, हाँ जी पुत्र, डिस्टेंस और स्पीड का डायरेक्शन के साथ बेटे लेना देना ये है कि जब आपका एंगल आर बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, तो ये आप इस पर्टिकुलर मीडियम को जब आप इस तरीके से इमेजिन कर लीजिए, ये एक लाइन है, ध्यान से समझिएगा,
अब एक डिस्टेंस तो ये आ गया, एक डिस्टेंस आपके पास, अगर मैं इसको अवे बेंड कर दूं, मान लो ये आपका ग्लास होता, ये एयर होता मान लो, तो ये रे ने ऐसे चले जाना था। अब ये डिस्टेंस ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है ना। दिस इज द वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हाँ जी बुतर, हाँ जी क्या हुआ, क्या कहते हो, देखिए मुझे सुनाई नहीं देगा। अरे नहीं मिरर नहीं है पुत्र, ये बाउंड्री है, क्या करते हो आप, बाउंड्री इमेजिनरी लाइन सेपरेटिंग द टू मीडिया। आपके पास एक पानी का टब भरा पड़ा है, उस पानी की सरफेस पे हम लाइन तो नहीं बना सकते, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, इमेजिन किया है कि एक लाइन है, यहाँ एक बाउंड्री है शार्प, वो आपके पानी को एयर से सेपरेट कर रही है। यहाँ मान लीजिए यस ये आपका, ये दीजिए एक मिनट के लिए, मान लीजिए ये आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्लैब है, ठीक है, इसका ये वाला सरफेस एयर को और इसको ग्लास को सेपरेट कर रहा है, ये आपका एक्स वाई हो गया, ये इसमें कोई लाइन नहीं हमने बनाया, जस्ट इसको इमेजिन किया है कि ये मीडियम को एयर को ग्लास से सेपरेट करने वाली बाउंड्री है बेटा, राइट, समझ आ गया पुत्र जी, ऑल क्लियर, चले आगे। अब इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है, एक छोटी सी टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है, आइए पहले उसकी बात कर लें फिर हम आगे चलेंगे। तो अप टिल नाउ आपको दो तीन चीजें समझ आ जानी चाहिए, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, बाउंड्री क्या है, डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं, रेरर किसको बोलते हैं, और डिस्टेंस ज्यादा या कम वाली बात तो चलो आपको पता चली गई है बेटा। सो इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द न्यू साइंटिफिक टर्म कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और सिंपली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेटी जब भी हम बात करते हैं डियर चिल्ड्रन, आपका किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेटे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का रेशियो होता है। मान लीजिए हम पानी की बात करें, ट्रांसपेरेंट वाटर की बात करें, या मान लीजिए ग्लास की बात कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये डोर पे देखो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ, आप दूसरी तरफ देख सकते हो, आपने स्पेक्स लगाए हुए हैं, नो डाउट इसमें लेंस लगा हुआ है, बट है तो ये ग्लास ही है ना। तो आई मीन टू से दैट बेटे आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, इनकी रेशियो ले लेते हो आप, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता है। और बच्चों याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ये लेटर से डिनोट करते हो, दिस इज कॉल्ड एम ई यू म्यू, इसको लिखते नहीं ऐसे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, बोलते हैं म्यू, एम ई यू। तरीका देखना मैं कैसे ये लेटर डाल रहा हूं, यहां से शुरू किया आगे चले गए एंड वापस आ गए थोड़ा सा, अगेन ऐसे एंड ऐसे, राइट बेटा, आई होप अब बना लोगे। अब आप दिस इज द सिंबल यूज फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों डिफाइन भी करके देखें बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइन एज the ratio of speed of light in air to the speed of light in that medium, right बेटे। सो बेटे डियर चिल्ड्रन
जब भी हम बात करेंगे स्पीड की रेशो की, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ वाटर, मान लीजिए आप निकालना चाहते हो, ठीक है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बेटा डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नहीं गुड़िया, वाटर, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल के देखें बेटे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितना था, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों पानी में कितना था, मीटर पर सेकेंड। सबसे पहली जरूरी बात, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट गया, इट विल मीन दैट म्यू के क्या यूनिट्स होंगे, यूनिट्स, नो यूनिट्स, कट गए हैं सारे। ये आपको आता है पेपर में क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो डायरेक्टली ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट इट हैज गॉट नो यूनिट्स एट ऑल। ये पेपर में आएगा, आपको गलती मत करना वहां पे, नो यूनिट्स। क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी स्पीड, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों का रेशियो, तो यूनिट्स कट जाएंगे। और आगे देखिएगा सारे बच्चे, आगे देखिएगा ध्यान से, ये पावर भी कट गई, ये बचा 3/2.25, निकालिएगा जरा कितना आता है, ऑल ऑफ यू भूमिका देखो कितना आता है, ये चेक करके देखो सारे स्टूडेंट्स बेटे, हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी, 1.? नहीं नहीं, कैलकुलेशन करके देखो बेटा, हाँ जी बेटे, 2 मिनट सर, 0.75। अरे गुड़िया, 0.75 नहीं आ सकता, 3/2.2, हाँ जी राघव अरोड़ा, गुड, 1.333, उसको 1.33 लिख देंगे, राइट बेटा भूमिका, क्रॉस चेक योर कैलकुलेशन सर, आप 1.33 के करीब आना चाहिए, हाँ जी ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भूमिका, इज इट देयर और नॉट, यस सर, यस सर, आपने उल्टा किया था सर, पहले उल्टा कर दिया था, चलिए कोई बात नहीं, कई बार हो जाता, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी वाली बात है। आइए अब आगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के देखें बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप निकालोगे अभी इसको, म्यू फॉर ग्लास कितना होता है, जल्दी से वर्कआउट करके बताइए, सी डिवाइडेड बाई वी इन ग्लास, सी कितना है और वी कितना है, यूनिट्स क्या बने म्यू के, पक्का सोच लो, नो यूनिट, मुझे तो लग रहा है ये मीटर पर सेकंड है, अच्छा ये आपकी बात मान ली, कैंसिल कर दिया, राइट, ये भी खत्म हो गया, दिस इज डियर 3/2, 1 point, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आपको सबको कंसेप्ट आ गया है, दैट्स समथिंग वेरी नाइस बेटा। बेटे सारे बच्चे एक बात और ध्यान से सुनिएगा, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटे दो टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी किया करते हैं। पहला टाइप है बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड हमारे पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आओ बच्चों बात करके देखें, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वर्ड का प्लूरल होता है इंडिसेस, इंडेक्स एंड इंडिसेस, राइट बेटा, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला आपके पास है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, सेकंड वन इज बेटे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे, राइट बेटा। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हो विद रिस्पेक्ट टू द एयर, अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, अगर आपके दोनों मीडियम में से एक मीडियम एयर हो, दूसरा कोई और मीडियम ले लें हम, तो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ऑलवेज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो आप पानी और एयर की बात कर रहे हो, एक मीडियम एयर आ गया, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। मान लो आप ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हो, तो उस केस में आपका एक मीडियम एयर आ गया, दूसरा ग्लास आ गया, वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा। ऐसे मेरे कहने का सिंप्लीफाइड वे में मतलब ये है कि अगर दो मीडियम जिनकी आप बात कर रहे हो उनमें एक एयर है तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा। और अगर मैं कहूँ नहीं जी मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, एयर नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे जो है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, लिख लीजिए सम मत लिखिए, गिवन मीडियम डब्ल्यू आर टी का फुल फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको बच्चों डिनोट कैसे करते हैं जरा ध्यान देंगे आप लोग, आप इसको लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखोगे, जरा ध्यान दीजिएगा मैं बोलता कैसे हूँ लिखता कैसे हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैंने बोला पहले, लिखा नीचे, विद रिस्पेक्ट टू एयर मैंने बोला बाद में, लिखा ऊपर, क्यों? क्योंकि रे एयर से ग्लास में आ रही है, राइट। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इनको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लास एंड वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे लिखने में। समझ आ गई बात बच्चों सारे स्टूडेंट्स को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई शक, कोई बात तो नहीं? सारा समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, ये छोटा सा पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे ये भी डेफिनेशन कंप्लीट कर लें। हाँ जी, ए लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ये कहना चाह रहा था। अगर आप नहीं लिखोगे तो इट विल बी टेकन एज ग्रांटेड दैट आप विद रिस्पेक्ट टू एयर ही कर रहे हो, अगर आप लिख दोगे तो दैट इज अप टू यू, अच्छी बात है, कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ जी पुत्र, इसके आगे करेंगे गुड़िया, पहले एक तो कर लें, फिर उसको भी करेंगे, आप चिंता क्यों करते हो? कभी आज तक बताओ कोई टॉपिक छोड़ा है? वेल इन टाइम और सारा अच्छे से किया है ना आपने, तो वाई यू आर वरीड, सब करवाएंगे आपको, चिंता मत करिए आप। अब इसके बाद हमारा आ जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है जी, करें स्टार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि आप आइए आपको समझा देता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आप निकालना चाहते हो, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों का रेशो आ गया बेटा, दिस इज हाउ यू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास मैंने बोला पहले था, पहले लिखा, वाटर बाद में बोला था, बाद में लिखा डिनोमिनेटर, राइट।
सो दैट्स ऑल फॉर योर पीरियड बेटा, बाकी चीजें कल करेंगे. थैंक यू ऑल.